थैंक यू मणिपुर के भाइयों एवं बहनों, आप तमाम लोगों का संघर्ष काबिले तारीफ है जो आप तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम NSUI JNU NSUI की तरफ से आपकी सॉलिडरिटी में यहाँ खड़े हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मणिपुर के अंदर शांति बहाल नहीं होती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही मैं तमाम जो लोग मणिपुर की हिंसा में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उन तमाम लोगों के लिए यहां से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें उनके परिवारों को हम अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता से मैं शुरू करना चाहूंगा अपनी बात कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? साथी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। साथी, आज आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर में जब इस तरीके की हिंसा लगातार 90 दिनों से चल रही है, फिर भी इस देश की केंद्र सरकार आंखें बंद करके और कान बंद करके घोड़े बेचकर सो रही है। साथी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को 3 महीने बाद याद आता है कि 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक गया है। क्या साथियों, जब इस देश के अंदर किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो कठुआ में हो रहा हो, चाहे वो हाथरस में हो रहा हो, चाहे वो उन्नाव में हो रहा हो, और वो चाहे जोधपुर के अंदर जब ABVP के कार्यकर्ता एक माइनर दलित लड़की के साथ रेप कर रहे होते हैं, तब तक हम तमाम हिंदुस्तानियों का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। मणिपुर के अंदर जो हुआ, दो महिलाओं को जिस तरीके से शर्मसार किया गया, साथियों क्या इन सब से आपको लगता है कि इस देश की तमाम महिलाओं को एकजुट होकर के इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं है? साथी, आप समझिए इस मनसा के पीछे, इस पितृसत्तात्मक सोच के पीछे की मनसा समझिए कि इस देश के अंदर एक वर्ग हमेशा ये चाहता है कि दूसरा वर्ग हमेशा दबा रहे। हम इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जो राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं मणिपुर में और जाकर वो हर एक कम्युनिटी से आग्रह करते हैं कि आप लोग इस राज्य के अंदर शांति बहाल करें और इस देश के अंदर शांति बहाल करें। भारत जोड़ो का ये अभियान जो राहुल गांधी ने शुरू किया है, इस देश के अंदर समानता, सद्भाव, संप्रभुता के लिए एकजुट करने के लिए लोगों को इसमें कारगर साबित होगा। साथी, NSUI इस कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्टी के नुमाइंदा होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अंतिम सांस तक, जब तक हर व्यक्ति को अपना अपना अधिकार ना मिल जाए और जिन जो जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ जब तक न्याय ना हो जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में कल JNU NSUI ने हमारे माननीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें पूरे विदेशों का भ्रमण करने का जिनके पास समय है लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है कि वहां क्या घट रहा है, उनका पुतला हमने जलाया था और हमने ये मांग की है कि उस प्रदेश का CM N. वीरेन सिंह को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए और उनके ऊपर एक इंक्वायरी गठित की जाए कि इस हिंसा के अंदर उस आदमी का रोल क्या था। साथ ही हम किसी को, चाहे वो इस देश का राजा हो या रंक हो, हम किसी को इस तरीके से जाने नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति का भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है उसे सजा मिलनी चाहिए, हमारी ये प्रमुख मांग है। साथ ही इसी सिलसिले में कल हमने पुतला दहन किया था और इस संघर्ष को, इस लड़ाई को NSUI मुख्य तौर पर हमेशा लेकर चलेगा और आगे लड़ता रहेगा। आप तमाम लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथी, इनकलाब जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। शुक्रिया मणिपुर, शुक्रिया मणिपुर के भाइयों एवं बहनों।